नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 29 दिसंबर 2019, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब के सेक्शन में, जो कि 45वां एपिसोड है, 45 एपिसोड, उसमें आपके जितने भी सवाल आए हुए थे कल सैटरडे को, यानी कि शनिवार के दिन 28 दिसंबर को, उन सारे सवालों पर अपना व्यू लेकर आया हुआ। तो जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए हैं, जिनका भी जिन्होंने प्रॉपर रूल को फॉलो करके भेजा है, उनके सवाल सेलेक्ट हुए, और जो मार्केट रिलेटेड था उन सवालों को मैंने सेलेक्ट किया है और उस पर अपना व्यू लेकर मैं आया हूँ। तो दोस्तों, जितने भी लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए, कृपया उनका व्यू मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। इस वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है, उसके नीचे अगर आप अपना व्यू बताएंगे, कमेंट बताएंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये 45वां एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का, और देखते हैं पहला सवाल किन का है। तो पहला सवाल है, गौरव दीप साहब गुड़गांव से कह रहे हैं कि आई एम जस्ट क्यूरियस दैट कैन यू डू बीटी एसटी एसटीबीटी इन इक्विटी टॉप 100 शेयर। मैंने ये कह रहे हैं कि निफ्टी के 100 शेयर जो है, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, एक निफ्टी 100 होता है, एक निफ्टी 500 होता है, तो एसटीबीटी या बीटी एसटी हमें निफ्टी 100 में ही करना चाहिए या फ्यूचर में करना चाहिए, ठीक है। इनका ये पहला सवाल है। दूसरा है कि विच मोड शुड आई चूज, सीएनसी और नॉर्मल। सर, आपको सीएनसी कैश एंड कैरी होता है, नॉर्मल में कैश एंड कैरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर नहीं चलेगा। बीटीएसटी में आपको सीएनसी और नॉर्मल, ये दोनों, जिसके पास नॉर्मल का ऑप्शन है वो नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, और जिनके पास सीएनसी का ऑप्शन होता है वो सीएनसी सेलेक्ट करते हैं। आप अगर फास्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ सीएनसी का ऑप्शन होता है, रेगुलर में सीएनसी आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो नॉर्मल मतलब वही हो गया, आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है। तीन तरह के ऑर्डर, नॉर्मल, ब्रैकेट, कवर, ये इंट्राडे, ये सारे होते हैं। तो आपको नॉर्मल और सीएनसी ये दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए। और एसटीबीटी आप कैश के चार्ट में नहीं कर सकते, कैश के स्टॉक में नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप फ्यूचर में कर सकते हैं एसटीबीटी, बीटीएसटी या फिर कैश में कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि यू नेवर यूज एनी फैंसी इंडिकेटर ऑन योर चार्ट। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं कभी भी, आप जो है कभी भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, जैसे एमएससीडी और सुपर ट्रेंड, है ना, स्विंग, नाउ यू डू हाई लो स्विंग स्ट्रेटजी प्लस चार्ट एंड कैंडलस्टिक। सर, मैंने कितनी बार, आपने शायद सुना नहीं होगा या स्किप करके वीडियो को देखते होंगे, मैंने कितनी बार कहा है अपने इसी सेक्शन में और पहले भी एनालिसिस में, कि मैं अक्सर अपने कैंडल को और चार्ट को फॉलो करता हूँ, है ना। मेरा कैंडल और चार्ट ही मेरे लिए वो सारे इंडिकेटर है। पहले सड़क बनती है, उसके बाद इंडिकेटर का बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है ना। तो इंडिकेटर बाद में डेवलप होता है, पहले चार्ट और प्राइस डेवलप होता है, इंडिकेटर उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो मैं पहले चार्ट को फॉलो करता हूँ, बाकी चीज़ें बाद की चीज़ें होती हैं सर, वो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा उस पर प्रैक्टिस है, मेरा उस पर अपना बनाया हुआ, इतने सालों का मेहनत किया हुआ है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। आप भी किसी एक चीज़ को फॉलो करें, इंडिकेटर फॉलो करें, तो जिस इंडिकेटर को फॉलो करें, कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस के साथ करें, तभी आप कर सकते हैं। अगला सवाल सऊदी अरेबिया साहब से। अच्छा, देखिए, ये एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि कुछ लोग शायद इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, है ना। कुछ लोग इस सेक्शन को सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है। कर क्या रहे हैं कुछ लोग, यही चीज़ अगर मैं पैसे ले, कुछ लोग पैसे लेके बताते हैं यही काम, कुछ लोग पैसे लेके करते हैं, है ना। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, तो शायद लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता है। लोग कर क्या रहे हैं कि अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उठा के भेज दे रहे हैं, मतलब 25,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन से वो भाई साहब हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 33 तरह का स्टॉक है, 33 तरह का अलग अलग स्टॉक है, किसी में एक क्वांटिटी है, किसी में दो क्वांटिटी में, किसी में 7 क्वांटिटी 7 क्वांटिटी, किसी में 8 क्वांटिटी, इस तरह से करके 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, 33 टाइप का स्टॉक्स है, और उसमें वो बता रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए। उसमें इतने माने बेहतरीन तरह के स्टॉक्स हैं, जैसे कि DHFL जैसे, और येस बैंक जैसे, कि क्या बताऊँ मैं, PC ज्वेलर भी है उसमें। तो इस तरह की भाई आप कृपया ना करें, है ना, इसको मजाक ना बनाएं और अपना भी मजाक ना बनाएं, है ना। अगर आप किसी के काम का सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम उसको आप इग्नोर कर लीजिए ना, क्या जरूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, यही चीज मैं पैसे लेके बताऊं तो फिर वैल्यूबल हो जाएगा, मैं फ्री में, कुछ लोग पैसे लेके बताते हैं तो उसकी वैल्यू है, मैं फ्री में बता रहा हूँ तो शायद इसकी वैल्यू नहीं है, है ना, यही तब इसका मतलब तो यही हुआ आपकी नज़र में। तो इस तरह के काम ना करें। तो चलिए मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, ठीक है, कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पूरा भेज दे रहे हैं, 33 तरह का स्टॉक है, 25,000 का इन्वेस्टमेंट में 33 तरह का स्टॉक भेजा हुआ है, कह रहे हैं टारगेट स्टॉप लॉस बताइए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो अगर मैं आपका यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूँ सर, इसका मतलब मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी दूसरे के काम का रिस्पेक्ट जरूर करें, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरेबिया से जुबेर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ब्रिटानिया टाटा मोटर PGHL MNM TCS और इंफो में ये SIP करना चाहते हैं। सर स्टॉक सारे अच्छे हैं आपने सेलेक्ट किए हुए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक सारे अच्छे हैं, अलग अलग सेक्टर से आपने सेलेक्ट किया हुआ, ये अच्छी बात है, आप जरूर कर सकते हैं SIP, लेकिन अपना रिस्क और स्टॉप लॉस हमेशा दिमाग में लेके चलें जुबैर साहब, उसके बाद ही। नागार्जुन जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि आई डिड इंट्रा डे ट्रेडिंग ऑन यस्टरडे विथ 1313 मार्जिन, यानी 1313 रुपये मार्जिन के साथ, मार्जिन बेनिफिट ऑन जीरोधा, यानी 1313 रुपया का इनको बेनिफिट हुआ था जीरोधा में, ठीक है, बट वेन आई सी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आई जस्ट गॉट 150 रुपीज एंड एवरीथिंग आई एम लॉसिंग इन टैक्सेस, काइंडली हेल्प मी ऑन हाउ टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, माई नेम इज ये ना। ये इन्होंने कहा कि इन्होंने 1313 रुपया का प्रॉफिट तो बनाया, पर 150 रुपया ही सिर्फ इनको लास्ट में आया। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था अपना उस कॉन्टैक्ट नोट का, सर मुझे कॉन्टैक्ट नोट का नहीं चाहिए, आपने जो नीचे में भेजा ना वो सिर्फ उतना सा काट के भेजा जितना आपका पैसा कटा है, आपने वो नहीं भेजा कि आपने ट्रेड कितना किया, मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, आपने ट्रेड कितना किया, कितने तरह के स्टॉक्स में किया, आपने ये नहीं भेजा, आपने सिर्फ वो स्क्रीनशॉट भेजा जो नीचे आपका माइनस हुआ है पैसा, वो आपने भेजा, उससे नहीं है मतलब सर, आपने कितने था? मुझे उम्मीद है आपने 7 से 8 स्टॉक या कम से कम 5 से 6 स्टॉक्स में, और बड़े वाले स्टॉक्स में हो सकता है आपने ट्रेड किया हो, 5 से 6 स्टॉक या 7 से 8 स्टॉक ज़्यादा, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग ओवर ट्रेड, तो आपने ओवर ट्रेडिंग किया होगा जिसके वजह से ज़्यादा वॉल्यूम गेन हुआ और आपका सारा टैक्सेस में चला गया, तो ओवर ट्रेड से बचिए तभी आपका काम हो सकता है सर। गानप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई एम रेगुलरली ट्रेडिंग ऑन योर कॉल्स गिवेन ऑन 3-स्टार सेक्शन एंड टेलीग्राम चैनल टू, यानी ये 3-स्टार सेक्शन को जो मैं वो एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे 3 स्टार देता हूँ, 3 स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए उनको फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल भी, कैन यू गिव कॉल्स ऑन USDNR आई ऑल्सो, USDNR पे भी ये कॉल्स है सर, ऐसा यहाँ पे गानप्रीत साहब मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो सेक्शन है ना वो 3 स्टार ही मैं रखना चाहता हूँ सर उसमें, यानी 3 ही स्टॉक देना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं उसमें देता हूँ तो फिर वो क्या होगा, मुझे उसका नाम बदलना पड़ जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता कि मैं उसका नाम बदलूँ, इस वजह से मैं नहीं दे पाता सर। सेकेंडली आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर लाइव ट्रेडिंग सेशन, आप लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके सर, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन सारे लोगों के लिए नहीं होता है घनपी साहब, ये जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं है ना, उन लोगों का वो एक्चुअली प्रैक्टिकल होता रहता है कंटिन्यू, जो पुराने स्टूडेंट लोग होते हैं उनका भी कंटिन्यू जुड़े रहते हैं और जो नए होते हैं उनका भी, तो वो आम लोगों के लिए नहीं है, जो लोग मतलब जो चैनल से जुड़े हैं या उनके लिए तो नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए सॉरी मैं चाहूँगा, हाँ आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको मैं इन्फॉर्म जरूर करूँगा सारे लोगों को यूट्यूब चैनल पर। विशाल कुमार साहब बोकारो झारखंड से कह रहे हैं कि 920 में जब स्टॉक तेजी से भागता है तो उसको पकड़ नहीं पाता, ठीक है, फिर जब तक पकड़ता हूँ वो ऑलरेडी अपने हाई पे जा चुका होता है, फिर स्क्वीज मोमेंटम देख के लगता है कि ये अब तेजी से ऊपर जाने जैसा लग रहा है सर, यही मैक्सिमम लोगों के साथ यही दिक्कत होता है सर, लग रहा है, ये लगना सर कौन है, जो आप हैं कौन जो आपको लगता है ये बताइए, मार्केट की नज़र में आप कौन है, अब मार्केट की नज़र में आप कोई नहीं है ना, मार्केट की नज़र में आपका वैल्यू जीरो है, आपके लगने से काम नहीं होना चाहिए सर, आपको दिखना चाहिए कि होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, लग रहा है लगने से, तो मुझे भी लग रहा है कि काश मार्केट आज 20,000 पॉइंट चला जाए, लेकिन होगा क्या, नहीं होगा ना सर, दिखना चाहिए चार्ट पर दिखना चाहिए, आपको लगने से काम नहीं चलेगा सर, इस बात को आप समझिए कि मार्केट की नज़र में ना आपका कोई वैल्यू है ना मेरा कोई वैल्यू है, तो हमारे और आपके लगने से काम नहीं होगा, हमारे और आपके लगने से बिल्कुल काम नहीं होगा, चार्ट पे होने से काम होता है, चार्ट पे वो दिखना चाहिए होता हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है लेकिन आपको ऐसा लगता है तब तक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसी वजह से होता है क्योंकि सर आपको लग रहा होता
है ना, लग्न जब आपको लगता रहता है तो आप कर लेते हैं उस लगने के चक्कर में, फिर आपकी लग जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें सर। जब कोई ट्रेन छूट जाती है आपकी, आप इसको ऐसे समझिए विशाल साहब, जब कोई ट्रेन आप स्टेशन में पहुंचते हैं, आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर उसको दौड़ के पकड़ते हैं। पकड़ते हैं क्या? दौड़ के नहीं पकड़ते होंगे ना, उसको क्या करते होंगे, छोड़ देते होंगे, दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं ना। तो इस लाइन से आपको मेरा मतलब कहने का समझ में आ गया होगा कि आप दूसरे स्टॉक्स का वेट करिए या ढूंढिए, उस ट्रेन के पीछे मत भागिए जो छूट गई है 2-3 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर ले जाकर पकड़ ही लूंगा सर, उससे पैर हाथ टूट जाने का संभावना ज्यादा रहता है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें सर विशाल साहब, यानी दूसरे स्टॉक्स का वेट करें जिसने अभी मोमेंट स्टार्ट किया। सतीश साहब तिरुवनंतपुरम केरला से कह रहे हैं कि उज्जीवन को इतना पे बाय किया है, टाइटन को इतना पे बाय किया है, आइबुल को बाय किया, इन्फी को बाय किया है। आप कह रहे हैं सर सारे स्टॉक्स आपके अच्छे हैं, मैं आइबुल पे कोई व्यू नहीं दूंगा, आइबुल पे मैं न्यूट्रल हूँ। उज्जीवन को आपने बाय किया है, इन्फोसिस को बाय किया है, टाइटन को बाय किया। टाइटन का व्यू मेरा सर बनता है 1210 के ऊपर, टाइटन का जो व्यू बनेगा वो 1210 के ऊपर है, उसके पहले टाइटन का कोई व्यू मेरा नहीं है। मैंने टाइटन दिया भी हुआ है अपने पोजिशनल स्टॉक्स वाले सेक्शन में, आप देखेंगे तो टाइटन को मैंने 1210 के ऊपर ही दिया है, और अभी स्टॉप लॉस उसका 1185 मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है टाइटन का, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस 1165 रखा, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा 1185 कट जाएगा अगर स्टॉप लॉस, है ना, तो मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। सीधी सी बात है कि अगर 1185 कटेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर मेरा उस पर कोई व्यू नहीं बनेगा। उज्जीवन को आपने 345 पे बाय किया हुआ है, उज्जीवन को आपने 345 पे बाय किया है, तो 345 पे आपने बाय किया, स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना भी होगा तो जैसे आपने 320 रखा है तो ठीक है, आप अपने रिस्क के हिसाब से रखते हैं। हमारे ख्याल से स्टॉप लॉस जो बनेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वही 320 से 25 के आसपास है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कटेगा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। आईबुल पे मेरा कोई व्यू नहीं है सर। इन्फोसिस पोजिशनल स्टॉक्स है, इन्फी भी मैंने दिया हुआ है पोजिशनल स्टॉक्स के रूप में, तो उसमें हम लोग बने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 700 का हमारा स्टॉप लॉस था इंफोसिस में, है ना, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। और अगला सवाल कहाँ है, दीपक जी का, पलवल हरियाणा से कह रहे हैं दीपक जी कि अगर इंट्राडेली स्टॉक नेक्स्ट डे सेलेक्ट करने हैं तो किस तरह के एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, कैंडल स्टिक देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो। सेकेंड क्वेश्चन है, जब भी कोई स्टॉक इंट्राडे में एक रेंज में ट्रेड करता है, क्या वो अप या डाउन जाने की तैयारी करता है? क्या उस एरिया में बिग इन्वेस्टर के द्वारा पोजिशन क्लोज या क्रिएट की जाती है जो धीरे धीरे चलती है जिससे स्टॉक्स में मूवमेंट ना के बराबर होती है? देखिए, अगर कोई एक एरिया में फंस के ट्रेड कर रहा होता है तो इसका मतलब वो बिग मूवमेंट की तैयारी कर रहा हो, ऐसा ना, वो साइडवेज भी तो हो सकता है ना, हो सकता है वो साइडवेज हो गया हो। बिग मूवमेंट पता आपको कब चलेगा? जब वो एक्चुअली हो चुका होता है ना। जब कोई बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर जब करेंगे, वो तो मान लीजिए एक रेंज में फंसा है तो फंसा है, फिर आपको वहां पे क्या पता चलेगा? पता तब चलता है जब उसका मूवमेंट नेक्स्ट हो चुका होता है, यानी या तेजी से उस रेंज को अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे बिग इन्वेस्टर या कोई बड़ा क्वांटिटी डाला गया है अपर साइड के लिए या लोअर साइड के लिए, तो वो होने के बाद पता चलता है। आप एक रिस्क ले सकते हैं अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, ये देखे कि किसी साइड ब्रेक करेगा तो हमारा ट्रेड उस तरफ हो सकता है। आप कह रहे हैं कि क्या क्या देख करना चाहिए, कैंडल स्टिक या वीकनेस, स्ट्रेंथ और सपोर्ट रेजिस्टेंस। सर आप एक दिन पहले अगर स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कि मैं तो अपने चार्ट्स वगैरह को देखता हूँ, पैटर्न्स वगैरह देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, अलग अलग चीज़ों को, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम जितना चीज़, ज़्यादा चीज़ करने की झंझट नहीं है आपको, सब चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं ना, तो बस कैंडल स्टिक पे नजर लगाइए, चार्ट फॉलो करते हैं तो चार्ट पे नजर लगाइए, एकदम टिका कर रखिए उसको कि हाँ ये चार्ट बन रहा है। सारी चीज को देखने लगेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा दीपक साहब, और फिर जो है ना, फिर पसंद नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, और उसका रिजल्ट आपको सही दिखेगा भी नहीं। तो कोई एक से दो चीज को फॉलो करें और उसके हिसाब से आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करें, तभी जाके वो आपको रिजल्ट दिखेगा। संदीप सोनानिया साहब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार से पूछ रहे हैं क्या कि 2 जनवरी 2020 का कॉल 12,250 का एक लॉट 56 पे लिया हुआ है, टारगेट और स्टॉप लॉस बताया। सर 2 जनवरी 2020 का आपने कॉल 12,250 निफ्टी का कॉल लिया है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, आप जो टेलीग्राम पर कॉल देते हो, सब भगवान के द्वार मेहनत से अचीव हो जाते हैं सर। निफ्टी, थैंक यू सर इसके लिए कि
मेरे कॉल अचीव हो जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी होता है। निफ्टी के लिए जो कॉल की बात है ना सर, जो आपने 12,250 का कॉल लिया हुआ है, अगर निफ्टी ऊपर की साइड में 12,265 या 70 ब्रेक करेगा ना, 12,265 या 70 ब्रेक करता है तभी ये आपका ये अपर साइड में जाने की कोशिश करेगा। अगर ये निफ्टी मंडे के दिन 12,200 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर शायद आपका जो है 2,000 इसका जो कॉल है 12,250 का, वो थोड़ा खतरे में पड़ सकता है, कॉल लिया हुआ है आपने ना। दूसरा कह रहे हैं कि आप जो मैं देता हूँ कॉल वो अचीव हो जाता है और उन प्रॉफिट से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग से ना, ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, ट्रेडिंग से आप अपनी सैलरी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि मेरा मानना होता है, वेल्थ जब भी बनता है इन्वेस्टमेंट से बनता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। पुणे महाराष्ट्र से सागर कैलाश साहब कह रहे हैं कि स्विंग हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कौन सा टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट अच्छा एक्यूरेसी देता है। सर मैंने कितने, ये सवाल तो बहुत सारे लोगों ने पूछा पहले भी, मैंने बोला कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें और जो मैंने उसमें बताया हुआ, मैंने 5 मिनट फॉलो किया। आप चाहें तो आप अपने कंफर्ट जोन की, आप कंफर्ट कहाँ पे पाते हैं खुद को, आपको आराम कहाँ पे लगता है, आप कहाँ पे इजी वे में ट्रैक कर पाते हैं, वो आप 15 मिनट पे ट्रैक कर पाते हैं तो आप 15 मिनट पे करिए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि किसी का देखा देखी मत करिए कि वो 5 मिनट में कर रहा है तो मैं भी 5 मिनट करूँ। हो सकता है अभी आप मुझे 5 मिनट देख के कर रहे हो, मैं कल चेंज कर दूँ 15 मिनट, फिर आप क्या करेंगे, है ना, कभी नहीं। आप कंफर्ट किस जोन में पाते हैं अपने आप को, किस टाइम फ्रेम में कंफर्ट पा रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब वो टाइम फ्रेम में आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ पे किस तरह का बिहेव होगा तो हमें उस पर लगाना, चाहे वो 5 मिनट आप यूज़ करें चाहे 15 मिनट, लेकिन कंटिन्यू करना होगा तभी आप उस पर अपना कमांड कर सकते हैं। अभी मुझे देख के 5 मिनट करेंगे मैं बदल दूंगा, कल हो सकता है 15 मिनट कर दूं, फिर क्या करेंगे, कहेंगे अरे ये तो अभी 5 मिनट कर रहा था 15 मिनट पे आ गया। नहीं, मुझे कंफर्ट लगता है 5 मिनट में, मैं करता हूं, आपको 15 मिनट में लगता है आप 15 मिनट में करें, कोई दिक्कत नहीं। हरीश जाधव साहब हिंगोली महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस के 2,000 स्टॉक्स होल्डिंग में है, आगे 20 साल का आपका व्यू बताएं। सर 20 साल में जीवित भी नहीं रह सकता मेरे ख्याल से, है ना, तो मैं 20 साल का तो व्यू नहीं बता पाऊंगा, सीधी सी बात है। मैं ज़्यादा ज़्यादा 3 से 5 साल का लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर लगता है कि लाइफ बची तो आगे देखा जाएगा, लाइफ नहीं बची तो कोई बात नहीं, तो 3 से 5 साल में नियर की लेके चलता हूँ। 20 साल मुझे थोड़ी पता है सर कि मैं 20 साल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, है ना, तो मैं आगे 3 से 5 साल तक का देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर वो देख वहाँ पे कुछ अगर चेंज होगा तो फिर उसके बाद आगे का बनाया जाएगा। तो जितना पहले 3 से 5 साल का व्यू बनाता है, अगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, इन्वेस्टर है, तो हमेशा 3 से 5 साल का बना के चलिए। उसके बाद जब वो वहाँ तक चला जाए या उसमें कुछ चेंज होता हुआ आए तो ही आप उसको चेंज करें, अदरवाइज नहीं। अभी लंबे समय के लिए मन्नापुरम फाइनेंस बिल्कुल अच्छा स्टॉक्स है, स्टॉक्स में खराबी नहीं है। मैंने तो अपने जनवरी 2019 दिवाली से जनवरी दो सॉरी दिवाली 2019 से दिवाली 2020 तक के लिए भी मन्नापुरम फाइनेंस को दिया हुआ है, ऑलरेडी ये अच्छा प्रॉफिट बना के भी दे रहा है, तो मेरा नज़रिया इस पे बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा स्टॉक्स है, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो देखिए कितने साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं जहाँ तक बोलता हूँ तो 3 से 5 साल तक का ही व्यू लेके चलता हूँ कि स्टॉक्स अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक्स है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करिए। याद रखिए हर एक के साथ, हर एक स्टॉक्स के साथ, जैसे हर एक व्यक्ति के लाइफ में अच्छा और बुरा दिन आता है, तो हर एक स्टॉक के लाइफ में भी अच्छा और बुरा दिन आता है, तो उस बुरे दिन में आप उसको कितना साथ देते हैं या आप उससे निकलते हैं, ये आप पे डिपेंड रहता है कि स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चलें हरी साहब, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंकज जी पुणे से कह रहे हैं कि गोदरेज सीपी को बाय किया 787 के ऊपर, गोदरेज सीपी को इन्होंने 787 के ऊपर बाय किया हुआ है और टारगेट एंड स्टॉप लॉस 6 मंथ के लिए इनको चाहिए। गोदरेज सीपी में कितना पे बाय किया सर, 787 पे आपने गोदरेज सीपी को बाय किया, जैसे कि 787 पे बाय किया है तो गोदरेज सीपी का चार्ट हम लोग यहाँ पे ओपन करें, अगर चलिए चेक करते हैं गोदरेज, ये फायर्स वन का ट्रेडिंग टर्मिनल है, गोदरेज सीपी का ये चार्ट है, 787 पे आपने अपने 787 पे लिया है सर, देखे तो, अरे वाह सही कह रहे हैं 787 पे, वह प्राइस प्राइस तो अभी इसकी चल रही है 688 के आसपास की है, अभी ओपन हो रहा है,
चलिए ये ओपन हो गया 688 के आसपास किसकी प्राइसिंग चल रही है कोई रेसिपी में। सर एक स्टॉप लॉस तब आप मेंटेन कर लीजिए, बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपको। 640 का एक स्टॉप लॉस लगाइए सर, 640 का एक स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि स्टॉक्स काफी गिरा हुआ है। 687 पे लिया आपने, कहीं यहाँ आसपास में लिया बिल्कुल स्टॉप पर आपने पकड़ा है इसको और देखिए वहां से काफी नीचे आ रहा है, तो आप 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और उसके बाद इसको होल्ड करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। एक बार स्टॉक अगर ऊपर 700 को ब्रेक कर देना, 710 को भी कम से कम, तब स्टॉक्स में एक मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा गोदरेज सीपी में। अगला सवाल है सर आपका, समीर साहब हैदराबाद से कह रहे हैं कि आई बाउट ट्राइडेंट शेयर 8720 पैसे पे, 7 रुपये 20 पैसे पे 4000 क्वांटिटी ट्राइडेंट को इन्होंने खरीदा है, हैसन को 580 क्वांटिटी 40 कितना 5880 पे खरीदा है 40 क्वांटिटी SLN टारगेट। सर व्हेन आई डू इंट्राडे ऑलवेज आई बुक लॉस आफ्टर द स्टॉक गो अप, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ये लॉस बुक कर लेते हैं। हाउ टू लर्न एंड ओवरकम दिस, हाउ टू ओवरकम, अच्छा फियर से सबसे बड़ी बात है डर। डर तभी तक होता है सर आपके मन में जब आप किसी चीज को अपने चादर से बाहर काम करते हैं, मैंने अपने लिमिट से बाहर, जब आप अपने लिमिट से बाहर जाते हैं ना तो डर अपने आप पैदा हो जाता है ना। तो हमेशा अपने लिमिट में रह के ट्रेड करें, अपने रिस्क के साथ ट्रेड करें। जब आप अपने लिमिट में ट्रेड करते हैं ना तो फिर डर की कोई बात ही नहीं है। डर तभी होता है, जैसे अभी आपने यहाँ पे डर स्वाभाविक है, ट्राइडेंट में डर बनना स्वाभाविक है क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी भी है तो आप देख रहे हैं 4000 क्वांटिटी है। तो जब लिमिट से बाहर कोई भी काम करते हैं ना हम लोग तो डर अपने आप पैदा होता है, तो जब लिमिट के अंदर में आप रहेंगे ना तो डर की बात फिर नहीं है। हम ट्राइडेंट को देखने की कोशिश करते हैं, 7 रुपये 20 पैसे पे आपने लिया हुआ है ट्राइडेंट के शेयर को, तो चलिए ट्राइडेंट का एक शेयर है 7 रुपये 20 पैसे पे इन्होंने लिया है, 7 रुपये 20 पैसे पे, यानी आपने यहाँ कहीं पे 7 रुपये 20 पैसे के आसपास में ट्राइडेंट के शेयर को लिया है। सर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा अगर आप लंबे समय के लिए इसको देखना चाह रहे थे, एक स्टॉप लॉस लगा। हालांकि स्टॉक में कोई दम जान नहीं है, अभी फिलहाल चार्ट बिल्कुल इसका खराब है, चार्ट में कोई दम जान नहीं है। एक स्टॉप लॉस बनता है लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, कम से कम 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस बनता है इस स्टॉक में। अगर 5 रुपये के पास कटेगा तो और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, तो 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मूवमेंट सर स्टार्ट ये तब करेगा जब ये 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर की साइड में काटेगा, तभी ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा ट्राइडेंट, अदरवाइज नहीं। आपने एक हैडसन का शेयर लिया होगा ना, ये है हैडसन का शेयर, 580 के भाव पे आपने लिया है 40 क्वांटिटी, एक स्टॉप लॉस इसमें भी लगा लीजिए सर। आपको इसमें 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, अगर वो स्टॉप लॉस कटे तो बहुत तेजी डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है हैडसन में। ऊपर की साइड में ये अभी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार मूवमेंट क्लोजिंग अगर ये किसी तरह से क्लोज कर देता है ना 590 के ऊपर, 590 के ऊपर एक बार ये क्लोज कर देगा तो फिर बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो लगभग 680 तक भी लेके जा सकता है हैडसन को। ग्रेसन जी मैंगलोर से कह रहे हैं कि इक्विटास होल्डिंग 100 क्वांटिटी को उन्होंने 104 पे लिया शॉर्ट टर्म, 1 वीक टू 1 मंथ, यानी 1 सप्ताह से 1 महीना के लिए इन्होंने लिया है। और IDFC फर्स्ट बैंक के 700 क्वांटिटी को इन्होंने 51 रुपये 60 पैसे पे लिया है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर IDFC फर्स्ट बैंक में बिल्कुल अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर उसको बार बार देखने की कोई जरूरत है नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल आप IDFC फर्स्ट बैंक में बने रह सकते हैं, जबकि अगर वो नीचे की तरफ में आए तो आप उसको चाहें तो क्या कहते हैं आप एवरेज भी कर सकते हैं, नीचे आते हुए आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक है ना। IDFC फर्स्ट बैंक 44 रुपये 70 पैसे पास चल रहा है, बिल्कुल आप इसको बने रहिए सर हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जरूर रखिए, 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो कोई बात नहीं, स्टॉक्स एक बार अगर ऊपर की साइड में 48 को अगर ब्रेक करता है ना 48 को, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। नीचे के लेवल पर ये एवरेज करने का मौका देता है, अगर नीचे आता है तो आपको एवरेज करना चाहिए, स्टॉक्स में खराबी नहीं है। लेकिन 40 रुपये का अगर आपने नियर के लिए रखा हो तो 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस कटेगा, तो आपको फिर वहां से निकलना होगा या आप अपना एवरेज कर सकते हो वहां पे। यहां पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें दोस्तों। ट्रेड लेंगे तो आप अपने रिसर्च एजेंसीज और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। दूसरा स्टॉक आपने लिया है इक्विटास का, इक्विटास का आपने शेयर लिया है तो इक्विटास भी 104 रुपये के आसपास में आपने लिया है, कि स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप पहले, सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस लगभग लगभग आपका 95 रुपीज़ का यहाँ पे बनेगा इक्विटास में। पहला टारगेट जो होगा अगर अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है तो पहला टारगेट 115 रुपये का आपको ये देना चाहिए, दूसरा 120 रुपये का इक्विटास में देखने को मिल सकता है।
अपना फीडबैक जरूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ज्यादा अच्छी बात है। राजकुमार चोपड़ा साहब पटियाला से कह रहे हैं कि 50 शेयर लिया है भारतीय एयरटेल के 450 के भाव पर, और जिंदल स्टील एंड पावर का शेयर 160 के दाम पर, मुझे बताएं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, यानी कि भारतीय एयरटेल इनका ऊपर जाना चाहिए। सर ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी चोपड़ा साहब, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी स्टॉक ना या तो ऊपर जाने के लिए आएगा या तो नीचे जाने के लिए आएगा, ना दोनों में से कोई एक काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं किस लेवल को ब्रेक करेगा, तो क्या आप इस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर ये 465 को ब्रेक करेगा भारतीय एयरटेल ना, अगर 465 को ब्रेक करेगा तो ऊपर के चांसेस बनते हैं जो 480 तक जा सकता है, और अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है 440 को, तो फिर एक नीचे का लेवल आपको 430 रुपये भी दिखा सकता है और 420 का भी। रही बात जिंदल स्टील एंड पावर शेयर की बात, तो जिंदल स्टील और पावर शेयर यानी कि JSPL शायद होता है ना उसका नाम, जिंदल स्टील, जिसकी की प्राइस अभी 160 रुपये के आसपास की चल रही है ना, जिंदल स्टील का प्राइस जो है लगभग लगभग 160 रुपये 161 रुपये के आसपास का चल रहा है, वही है ना जिंदल स्टील, चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भारतीय एयरटेल का तो याद है मुझे जिंदल स्टील ये है। एक सौ साठ, हाँ वही चल रहा है 161 रुपये, मुझे लग ही रहा था 160 का है। तो आपने जो कितने पे भाव पे लिया है, 160 के वहीं के आसपास में लिया था सर, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आप, है ना, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस मेंटेन करना जिंदल स्टील में, अदरवाइज ये परेशानी में दिला सकता है आपको। जिंदल स्टील पावर का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा सर लगभग लगभग 148 रुपीज का, 148 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा जिंदल स्टील में। अगर 148 कटता है तो फिर निकल जाइए ऊपर की साइड में, अगर ये 165 ब्रेक करता है, 66 ब्रेक करता है, तो फिर आप बने रह सकते हैं इसमें, ऊपर का एक टारगेट खुलेगा 180 और 190 का। दिनेश सुतार साहब मुंबई से कह रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी फ्यूचर स्ट्रेटजी, अच्छा शायद आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर स्ट्रेटजी के ऊपर गाइड करें, बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है जी सर, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों वॉलेटाइल है, तो मैं बीच बीच में वीडियो पोस्ट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल को, स्ट्रेटजी बेसिकली मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं और उसके ऊपर मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है भी नहीं। और कोई स्ट्रेटजी देखिए, स्ट्रेटजी जो पुराने लोग हैं ना इस मार्केट के, जो जो सही में जो ट्रेड करते हैं, उनको पता है स्ट्रेटजी नहीं जीतती बल्कि आपका स्टडी जीतता है। आप स्टडी करें, स्ट्रेटजी ना करें, आप स्ट्रेटजी करेंगे खोजेंगे तो वह बार बार फेल भी हो सकती है, स्टडी करेंगे तो स्टडी हमेशा काम आता है, तो इस बात को याद रखें। और मैं वीडियो बना के पोस्ट तो करता रहता हूँ सर इंपॉर्टेंट लेवल इसके। अगला सवाल केशव राव साहब राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से कह रहे हैं कि हाउ टू ऐड एफएनओ स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट ऑफ फायर्स वेव। फायर्स वेव में ही कह रहे हैं कि एफएनओ के स्टॉक यानी फ्यूचर की स्टॉक कैसे ऐड करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है सर, आपको फायर्स का फायर्स वेव ट्रेडिंग टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है, जैसे ये ओपन है आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, जब ये ओपन है फायर्स वेव का ट्रेडिंग टर्मिनल, और आपको इसमें एफएनओ स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं एफएनओ स्टॉक्स को आपको ऐड करना है, तो सिंपल है, वहां वॉचलिस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वॉचलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, वॉचलिस्ट का एक सेक्शन बना है, इसको क्लिक करिए और यहाँ नीचे आइएगा, ध्यान से देखिए नीचे आना है आपको, और नीचे आते आते देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी का स्टॉक्स चाहिए ना, बैंक निफ्टी नियर फ्यूचर, तो यहाँ पे क्लिक करना है बैंक निफ्टी नियर फ्यूचर, तो सारे बैंक निफ्टी के जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है वो सारे ऐड हो जाएंगे। अब देखिए मैं किसी भी स्टॉक्स को क्लिक करूंगा ना, तो सब फ्यूचर के चार्ट दिखेंगे आपको, देखिए 30 फ्यूचर लिखा हुआ है ना, इसी तरह अगर आप निफ्टी का फ्यूचर लगाना चाहते हैं निफ्टी के एफएनओ स्टॉक, तो आपको नीचे आना है नीचे, और यहाँ पे आपको सीधा सीधी निफ्टी के फ्यूचर स्टॉक को सेलेक्ट करना है, कहाँ गया निफ्टी का फ्यूचर स्टॉक्स आपको दिखेगा, देखिए निफ्टी नियर फ्यूचर, देखिए ना निफ्टी नियर फ्यूचर है ना, इसको क्लिक किया देखिए ये लग गया, तो ये जो है अब सारे निफ्टी के फ्यूचर स्टॉक्स आ गए जनवरी मंथ के, तो आपको वहां पे नियर फ्यूचर सेलेक्ट करना है, तो आपके सारे एफएनओ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल किन का है, विवेक आनंद साहब लालपुर रांची से कह रहे हैं कि मैं 1 लाख शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अच्छा 1 लाख रुपए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए, है ना, प्लीज बताएं, और यस बैंक 61 रुपए के भाव पे 490 क्वांटिटी लिया हुआ है,
इस पर आप अपना सुझाव दें। मैंने बहुत बार सुझाव दिया है यस बैंक पर सर, बहुत बार बहुत बार बहुत बार, और जब भी बैंक निफ्टी की बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूँ उसमें भी कंटिन्यू बोलता रहता हूँ मैं अपना व्यू कि मैं यस बैंक से दूर रहता हूँ। ठीक है, यस बैंक पे मेरा कोई व्यू नहीं है, पिछले 1.5 साल से यस बैंक पे मेरा निगेटिव व्यू है और वो अभी भी बना हुआ है। तो कृपया कर इस लाइन से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा उस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें सर जो मार्केट के लीडर होते हैं, जो जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, मतलब अपने सेक्टर का वो हीरो होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर के लेवल पे होते हैं अपने अपने सेक्टर के। तो 1 लाख शेयर को 2-3 सेक्टर में डिवाइड कर लें और उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी हमेशा लीडर स्टॉक्स पे लगाएं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो सब बचता कौन है, लीडर ही पहले बचेगा, उसके बाद है ना वो लास्ट में गिरता है और उठने में सबसे पहले वही उठता है। तो आप हमेशा वैसे, और अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो सबसे अच्छी बात है आप उसको म्यूचुअल फंड में लगा दें और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र जी चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ में शेयर मार्केट में काम कर सकता हूं या नहीं। देखिए सर, एक्चुअली यहां पे साफ समझ कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो इम्प्लॉय होते हैं ना, उनको इंट्राडे की मनाही होती है, मतलब उनको ना करने के लिए बोला जाता है बेसिकली, एकदम जो रियल फैक्ट है। लेकिन क्यों बोला जाता है इसके पीछे लोग रीज़न नहीं समझते हैं एक्चुअली, और वो सीधे मुझसे ये पूछ लेते हैं कि हमको इंट्राडे मना है। मना इसलिए है भाई साहब कि इंट्राडे में दिन का टाइम लगता है ना, इंट्राडे में दिन का टाइम लगता है, और दिन के टाइम में आप ड्यूटी करेंगे गवर्नमेंट का कि इंट्राडे ट्रेड करेंगे। एक बात बताएं, गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए आपको पैसा दे रही है उसका काम ना करना पड़ेगा सर कि आप इंट्राडे बैठ के करेंगे दिन में, तो इंट्राडे तो दिन में ही होता है, तो आप इंट्राडे इसलिए मना होता है। ठीक है, इंट्राडे इसलिए मना होता है क्योंकि आपको दिन का टाइमिंग में जॉब करना है ना, ड्यूटी करनी है गवर्नमेंट की, तो इंट्राडे नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट में टाइम नहीं लगता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बाकी आप इंट्राडे कैसे करना है अब इसका आप उपाय निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। असीम जी अकोला महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि मैं आपकी तरह दिसंबर से अपने ट्रेड को एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूं, प्रॉफिट स्मॉल हुए बट लॉस बड़े हुए। ठीक है सर, यानी एक्सेल मेंटेन करने से प्रॉफिट छोटा हो गया और लॉस बड़ा हो गया, या पहले से ही आपको हो रहा होगा अब मेंटेन सिर्फ आपने शुरू किया है ना। और बिकॉज प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेता हूँ बट लॉस एसएल हिट होने तक वेट करते रहते हैं, तो हेल्प मी सर। मैं इसमें क्या हेल्प करूँ, बस आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। देखिए ये मेरी बातें आपको थोड़ी सी टिपिकल लगेगी सोचने में या समझने में, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, कोई दूसरा, मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे है ना, कि दुनिया का कोई एक ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपकी मदद कर पाएगा इस मामले में। एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है और वो है आप खुद, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो आपको कैसे अपनी मदद करना है, अपना माइंडसेट को चेंज करना है, यानी अपने दिमाग को चेंज करना है, अपने दिमाग के सोच को चेंज करना, और ये सबसे स्टॉक मार्केट में टिपिकल काम है अपने माइंडसेट को बदलना, क्योंकि हमने पत्थर बना लिया अपने आप को, माइंड दिमाग को, माने हम जो सोच लेते हैं ना हम मार्केट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने सोचा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ये नीचे क्यों आ रहा है, बेटे को तो ऊपर जाना चाहिए ना, मैंने सोचा है ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जाना चाहिए। नहीं सर, मैंने सोचा मार्केट को नीचे आना है तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ये ऊपर जा रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, यही तो गड़बड़ है हम लोग के साथ। मार्केट बदल जाएगा सर, आपको तुरंत बदल जाना है उसके साथ साथ, सीधे सीधी एकदम आपको बदल जाना है उसके साथ। भैया तुम बदल गए मैं भी बदल जाऊंगा, सब कुछ बदलेगा, नहीं जो नहीं बदलता है वो खत्म हो जाता है ना। तो इस चीज़ को समझिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप इसी तरह चाहे एक्सेल सीट मेंटेन कर लें, अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कर लें, सारे जगह आपको लाल निशान दिखाई देगा सर, रेड में दिखाई, क्यों, क्योंकि आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया ना उसके साथ, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देखते होंगे हम लोग भी जब ट्रेड करते हैं कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा होता है तो बैठे रहते हैं, नीचे आने लगता है कट करके निकल जाते हैं, क्यों, चेंज हो गया, मैं भी सिंपल बात है, वो चेंज हो रहा है तो मुझे चेंज होने में क्या जा रहा है, लेकिन मुझे क्या, मैंने यहाँ बॉन्ड भरा है कि मैं उसके साथ चेंज नहीं होगा, चेंज होना पड़ेगा सर, चेंज नहीं होंगे तो बस सब निगेटिव हो जाना है फिर। सैयद जी गुजरात से कह रहे हैं कि ये है कि फायर्स में रेफरल पे रिवेन्यू शेयरिंग कैसे होता है, जरा डिटेल में सर। इसके लिए बहुत ही सिंपल है रेफरल शेयरिंग है ना, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लिए कि आपका जो ब्रोकरेज कटता है ना, माने आप जो देते हैं उससे किसी को भी पैसा नहीं जाता,
ब्रोकर अपने हिस्से से, माने ब्रोकर का जो मान लेता हूँ 5 रुपया ब्रोकरेज उसने आपका काटा है गुना भाग करके, उस 5 रुपये से ही वो शेयरिंग करेगा। अब कितना परसेंट शेयरिंग करता है, किसको क्या करता है, इसके लिए सर आपको बहुत ही सिंपल काम करना है, फायर्स को कॉल लगा देना। अगर आप फायर्स की बात करें, फायर्स वालों को कॉल लगा दीजिए, वो डिटेल में बता देगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिटेल में बताएगा आपको। आप मुझसे स्टॉक्स के बारे में पूछेंगे तो मैं स्टॉक्स के बारे में बता सकता हूँ। मुकेश जी औरंगाबाद से कह रहे हैं कि मेक वीडियो ऑन पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। सर पेनी स्टॉक्स के ऊपर मैं जल्दी ट्रेड काम नहीं करता, पेनी स्टॉक्स को मैं अवॉइड करके चलता हूँ मुकेश साहब, इसके लिए सॉरी। छोटे स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूँ, 60, 50, 55, 45 रुपये पे वीडियो बनाता हूँ, पर पेनी स्टॉक्स इंडिया में जो वैल्यू होती है पेनी स्टॉक का, जो मतलब एक डिफिनेशन है वो है नीचे 10 रुपये से जो छोटा स्टॉक्स होता है ना उसको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, तो मैं उतना छोटे स्टॉक पे काम ही नहीं करता मुकेश साहब, कभी देखता भी नहीं, इसलिए सॉरी फॉर दिस। तो दोस्तों ये सवालों का सिलसिला हो गया ख़त्म, और जितने लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए जिन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो करके सवाल भेजा, और जो सीरियसली हैं, जो सीरियस हैं, जिनके सवाल देख के लग जाते हैं कि वो सीरियस हैं, उनके सवाल सेलेक्ट हुए। यहाँ पे कुछ लोग सीरियस वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग, मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बोला था, क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सीट उठा के भेज दे रहे हैं अपना, यानी 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, 33 तरह के अलग अलग स्टॉक्स हैं उसमें, किसी में एक क्वांटिटी है, किसी में दो क्वांटिटी, किसी में तीन, किसी में पांच, और टोटल 33 अलग अलग तरह के स्टॉक्स हैं, और इन्वेस्टमेंट टोटल कितना 25,000। तो और वो उसमें हमें कह रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए, तो सर ये पॉसिबल तो नहीं है ना, इसका मतलब आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, है ना। ये चीज़ चूंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ तो शायद सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं, यही लोग पैसा लेके बताते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है, तो इस चीज़ को सर बिल्कुल भी ऐसा ना करें, दूसरे का काम का सम्मान करें। अगर दूसरा आपके काम का सम्मान कर रहा है, आपकी बातों का सम्मान कर रहा है, आपका नाम यहाँ पे नहीं बता रहा है, नहीं तो मजाक के पात्र बन जाएंगे, है ना, तो नहीं बता रहा है, आपकी चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, तो सम्मान कर रहा है ना आपका, मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो आप भी दूसरे के काम का जरूर सम्मान करें कम से कम। तो चलिए सर, जिनके भी अब सवाल रह गए हैं वो अगले शनिवार का वेट करें, सैटरडे का वेट करें, और अगले सैटरडे को रूल को फॉलो करके सवाल भेजें, फिर मैं उन पर अपना व्यू बताऊंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।